नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र सोमवार सुबह एक विवाहिता की मौत, महिला का पति व ससुर मौके से फरार हो गए। महिला के मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के कुतुपुर गांव में संदिग्ध हालत में मसरूफा 35 वर्षीय की मौत हो गई। पति और ससुर मौके से फरार हैं। मृतका के गले पर निशान मिले हैं। मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। शामली के अम्बेटा गाँव निवासी मसरूफा 35 वर्षीय ने 5 साल पहले कुतुबपुर गांव के मजदूर सोनू के साथ प्रेम विवाह किया था। दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था। सोमवार सुबह सोनू के घर पर शोर शराबा सुनकर पड़ोसी पहुंचे, लेकिन सोनू और उसके पिता ने सबको वापस भेज दिया। किसी ने पुलिस को जानकारी नहीं दी। पुलिस के आने की भनक लगते ही सोनू अपने पिता के घर के साथ घर से फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो मसरूफा का शव चारपाई पर पड़ा था और उसके गले पर निशान बने हुए थे। पुलिस ने मृतका के परिजनों को सूचना दी है। मृतका के परिजनों ने मृतका के ससुरालजनों पर हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। सीओ जानसठ शकील ने मीरापुर इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने मृतका के परिजनों को जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुजफ्फरनगर से मोहम्मद फरीद अंसारी की रिपोर्ट। आज थाना मीरापुर के जो है ग्राम कुतुबपुर में एक महिला की हत्या की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच करके वहां पे मृतका के शव को कब्जे में लिया गया है। और चूँकि मृतका की शादी 5 साल पूर्व हुई थी और मृतका के जो परिवार वालों ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों के द्वारा जो है मृतका के साथ जो घटना की गई है और एक तहरीर प्राप्त हुई है, उसके आधार पर जो है थाना मीरापुर में उपयुक्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। सर, इसमें कोई गिरफ्तार नहीं है? अभी मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। टीमें निकाल दी गई हैं, तलाश की जा रही है और शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए यूएफटी लाइव टीवी के साथ।